प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967 गुरुवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी गर्भ जेल की। इस पुरानी दुनिया में तो गर्भ में भी जेल भोगते हैं और बाप तो कहते हैं कि तुम नई दुनिया में गर्भ में भी कोई सजा नहीं खाएंगे। ये जो गवर्नमेंट के जेल हैं उनमें भी सजा नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट के? रूहानी गवर्नमेंट के जेल है ना। कौन से जेल है? अरे सरेंडर हैंड्स कहाँ पड़े हुए हैं? है जेल में है कि नहीं है? जेल में है लेकिन सजा तो नहीं भोग रहे हैं। और फिर जो शरीर छोड़ेंगे, ये पुराना शरीर है ना, छोड़ेंगे, तमोप्रधान शरीर छोड़ेंगे, फिर भी सजा नहीं। तो देखो सजा एकदम बंद, तो सजा मुक्त है, सजाओं से लिबरेट हो जाते हो अर्थात दुख से मुक्त हो जाते हो। तो गायन आते हैं ना भक्ति मार्ग में यादगार। देखो यहां से तुमको बहुत तारे भी बता दें कि पोप आया था, उनको भी तार दिया था ना कि ये आकर के सुनो, वो जो लिबरेटर है ना, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर गाइड है और वो आए हैं, तुम भी आकर के ये सभी सीखो। भारत का प्राचीन राजयोग है ना, तो तारों में इतनी लंबी लंबी तारें देते रहते थे। अब यहां तो अपना फर्ज है ना, तो आखिरी में जब समय आएगा विनाश का, तो फिर उनको ये याद आएगा ना। क्या याद आएगा है? अरे अरे अभी अभी सुनते जाते भूलते जाते, क्या याद आएगा है? हाँ एक अक्षर लिखो भाई, जेल याद आएगी। अरे ये तारें याद आएंगी उनको कि हमको किसी ने तार दिए थे। जैसे बाबा कहते हैं कोई भी पाप मनुष्य करते हैं तो वो पाप उनको कोई भूलते थोड़े ही हैं, नहीं। भले बच्चे बाबा के पास दे आते हैं, दे जाते हैं कि बाबा ये ले लियो, हम हल्का हो जाएंगे हैं? अपने पाप पोता मेल में बाबा को दे देते हैं ना हैं? पर हल्का कहने मात्र होता है, बाकी वो सजाओं से हल्का हो जाते हैं, आधा माफ हो जाता है।
बाकी ऐसे तो नहीं है कोई कोई भूल जाते हैं, नहीं कोई को तीन तीन बरस से, कोई चार बरस से लेकर के पिछाड़ी तक का जो भी कुछ कर्म करते हैं वो सब उनको याद रहता है। और वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, तीस ग्यारह 1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज दूसरी लाइन। तो देखो ऐसा कोई भी नहीं होगा, मेरे ध्यान में भी कोई नहीं होगा, कोई होगा शायद जो उनको 5-6 बरस के बाद मालूम पड़ता होगा। ये बाबा को तो मालूम है कि शायद 2.5-3 बरस से लेकर के बाबा को मालूम है सब, समझा ना, क्योंकि गांवों में भटकता था ना बच्ची है, और छोटेपन में तो मां तो मर गई हा, समझा ना। बाकी बाप सो बच्चे पकड़ करके ले करके सो भी कोई है ना, अभी अपना जन्म भी ये जाना, और बाबा ने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग उसका भी समाचार सुनाया। उन युगों में इतने इतने जन्म पास किए। बाकी हां इस जन्म की प्रैक्टिकल में एक्यूरेट याद रहती है, और जन्मों को याद थोड़ी रहती है, उसी तरह याद रहती है क्या जैसे इस जन्म में याद रहती 3-4 साल की। इतना समझ गए कि बरोबर ऐसे ऐसे जन्म लेते आए हैं, और इसको तो पूरा मालूम है, किसको है, ब्रह्मा बाबा को है कि मैं तो पूरा एक्यूरेट 84 जन्म लिया है एकदम पूरा। तत्त्वम, क्योंकि तुम भी मेरे साथ पढ़ते हो ना, तो कितना मजे की पढ़ाई है, ये अच्छी पढ़ाई है। और कैसे अच्छी तरह से पढ़ना भी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करना चाहिए, और फिर खाली भी हो जाना चाहिए। देखो ये खाली है ना, बाबा को क्या पड़ेगा है? अरे बुद्धि में कुछ याद रहता है, पैसा याद पड़ेगा नहीं, पैसा अब कहां याद पड़ेगा है कुछ, अरे कुछ भी नहीं है। जो भी रहा बचा था वो इन बच्चियों को हवाले कर दिया, तो ये तो शिव बाबा को देते हैं, अरे कोई हमको थोड़े ही देते हैं। अब शिव बाबा को देते हैं तो शिव बाबा कोई भूखा है
तुम्हारे पैसों का? बिल्कुल नहीं। कोई भी कहते हैं ना, मैं शिव बाबा को देता हूं, तो वो बाबा को कंगाल समझते हैं, ऐसे बोलते हैं। तभी तो शिव बाबा को कंगाल समझते हैं क्या? अरे जो विश्व का मालिक बनाते हैं है, तो कई कई होते हैं ना ऐसे, वो समझते हैं कि हमने शिव बाबा को दे दिया। और तुम्हारा सौदा तो शिव बाबा के साथ है ना, इनका सौदा थोड़ा ही है। किनका? इनका माने किनका सौदा नहीं है? ब्रह्मा बाबा का कुछ नहीं लिखा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए इनका कहा जाएगा। ओहो, ग्रामर सुनते सुनते कितना टाइम हो गया, इनका इसका ये क्या अंतर होता है, है? ब्रह्मा का और प्रजापिता ब्रह्मा का है, इनके साथ तो तुम्हारा सौदा नहीं है ना। क्या ब्रह्मा के साथ है और प्रजापिता ब्रह्मा के साथ तुम्हारा लेन देन का सौदा है कि शिव बाबा के साथ है? अरे हाँ, शिव बाबा के साथ है। और इन्होंने भी तो शिव को सारा दे दिया ना। क्या एक ने दे दिया कि दोनों ने दे दिया है? ब्रह्मा ने भी तो, प्रजापिता ब्रह्मा ने भी दे दिया ना, तो हमको वर्षा तो अब शिव से लेना है ना, है? इन्होंने भी दे दिया, तुम बच्चों ने भी शिव बाबा को देते हैं, तो जिसको देते हैं उससे ही लेना है, हा? तो जिससे वर्षा लेना है उनके लिए कहना है कि हमने दिया। भाई 500 दिया, 1000 दिया, 10000, 20000 दिया, अरे उनको दिया या तुमने लिया है? देखो ये बड़ा हिसाब है। हम अभी आते हैं शिव बाबा के पास, आते हैं यहां शिव बाबा को हम जाकर के, और 5 रुपया देते हैं, हम इन से 5 करोड़ रुपया ले लेंगे। तो ये बात तुम बच्चों को दिल में अंदर आना चाहिए। क्या कि बाप जितना रिटर्न देते हैं उतना रिटर्न और कोई दे नहीं सकता, बाप या शिव बाबा कौन रिटर्न देते हैं? हाँ, शिव बाबा जितना रिटर्न, बाप का रिटर्न न लेता है, वो तो बिंदी बाप वो लेता है, किसके थ्रू लेता है? हाँ, शिव बाबा माने साकार में प्रवेश करने की बात। तो ये दिल में अंदर में आना चाहिए कि हम तो है किस लिए देते हैं, है? कई गुना लेने के लिए। अरे तुम बैंक में इस दुनिया में जमा करते हो है? तो कितना देते हैं? अभी तो ब्याज भी कम करते जाते हैं है? कुछ भी नहीं, जैसे जितना ब्याज कम करते जाते हैं उससे ज्यादा महंगाई बढ़ाते जाते हैं। तो तुमको तो फायदा हो रहा है उस दुनिया में देने से, या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही नुकसान। और ये तो 5 रुपया तुम देते हो और बदले में 5 करोड़,
तो ये बात दिल में रहनी चाहिए। और फिर जो जिनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं है वो समझते हैं कि हम शिव बाबा को जाकर के 50 रुपया देते हैं, 500 रुपया, 1000, 100 रुपया देते हैं, है? और जो हम देते हैं फिर बाप वो हमको नहीं देंगे। नहीं, हम तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो तुम बच्चों को ये दिल में अंदर नहीं आना चाहिए। अरे भूले चूके भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि तुम कोई देते हैं बाबा को। अरे 5 देते हैं, 10 देते हैं कि 50 देते हैं, है? ये तो हरेक जैसे होते हैं, नहीं है? हम तो बाबा से लेने के लिए देते हैं। सब दे दूं फिर तो बस, फिर सारी बात सही हमारी हो जाएगी। तो नशा आना चाहिए ना, है? किस बात का? कि जो दिया है वो हम बाबा से कई गुना जितना इतना रिटर्न कोई दे ही नहीं सकता। तन दिया, धन दिया है, और दुनियादारी के मन के संकल्प दिए, तो जो कुछ दिया है तुमने टट पूंजिया है, तो ये बुद्धि में रहेगा कि हम लेने के लिए देते हैं, तो उसका नशा रहेगा? नशा है ना, है? नशे वाला है तो सही ना। इस सामने जिनमें प्रवेश किया है, है? जिनमें या जिसमें, जिनमें प्रवेश किया है, किनमें प्रवेश किया है? अब वो तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझेंगे, है? वो समझेंगे बस सिर्फ ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। अरे नहीं, मैं तो बोलता हूं ना, मुकरर रथ भी लेता हूं और फिर टेम्पररी रथ भी लेता हूं। तो ये ब्रह्मा बाबा क्या हुआ? टेम्पररी रथ हुआ ना, हाँ। तो ये ब्रह्मा बाबा टेम्पररी रथ है और एक मुकरर रथ भी है जिसे मैं प्रवेश किया है। तो जिनमें प्रवेश किया है वो उनको नशा तो है ना, नहीं है? हाँ, वो नशा वाला तो है ना। क्या ये क्या है? ये 5 लाख रुपया, 10 लाख, 15 लाख, ये सब क्या है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, है? ये तो ठीकरी है, ठीकरी। अरे हम तो क्या बनते हैं, हम तो विश्व के बादशाह बनते हैं। हम तो बनते हैं, ये किसकी तरफ से बोला? शिव बाप ने अपने लिए बोला? किसके लिए बोला? वही ब्रह्मा के लिए है और प्रजापिता ब्रह्मा। तो विश्व की बादशाही प्रजापिता ब्रह्मा को मिलेगी या सभी छोड़ने वाले दादा लेखराज ब्रह्मा को मिलेगी? फिर हमने क्यों कह दिया? तो
जिनमें प्रवेश किया है दोनों को विश्व की भाषा ही मिलेगी, मिलेगी नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया होगी वो भी विश्व होगी, ये थोड़ा ही समझते कि वो कोई वहां कोई विश्व धर्म होंगे क्या, वहां तो विश्व धर्म नहीं होंगे। हाँ, विश्व धर्मों की आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं होंगी, उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी होगी है। तो बाबा को समझ में नहीं आया, विश्व का मालिक बनते हैं, रिकॉर्ड चला दिया, आजा आजा प्रेम दुलारे आना ही होगा। तो ऐसे नहीं है कि एकदम, ऐसे ही नहीं कि एकदम गिराए देना, क्योंकि आपस में भी कभी ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं है? आपस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, या पढ़ाने वाले साथ में जो सहयोगी टीचर्स हैं ना बाबा के, वो क्या करते हैं, धक्का मार देते हैं तो बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो ऐसे नहीं कि आपस की लड़ाई में तुम पढ़ाई छोड़ दो है, पढ़ाई और याद ये दो बातें तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पढ़ाई भी पढ़ते रहना और बाबा को याद भी करते रहना है। बस इन्हीं बातों से तुमको सब कुछ मिलता है, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना गहराई से बाप दादा को शिव बाबा को पहचानेंगे, और जितना जितना पहचानते जावेंगे उतना याद भी आवेगी। क्या कम पहचान होगी तो याद भी कम होगी। तो जितना पढ़ाई पढ़ेंगे ये ईश्वरीय ज्ञान की उतना फायदा ही फायदा है। जिस बाबा से तुमको मिलता है ना सब कुछ, हेलो मधुबन से बाप दादा मीठे मीठे सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी सर्वसेवुल रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का आज गुरुवार के दिन सिक व प्रेम से जान से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, रूहानी बच्चों के प्रति कहते हैं रूहानी बाप, दादा से पहले रूहानी नहीं लगाते है? क्यों नहीं लगाते है? इनको तो जब तक संपूर्ण स्टेज नहीं बनती, पुरुषार्थी हैं तो देवान आता रहता है कि नहीं, तो रूहानी तो नहीं कहेंगे। तो दादा का भी दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार,